और डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके घर वालों को, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन वो बाबा को थोड़ा बहुत मानने वाला था और उसके बिस्तर पर उसके साथ मोबाइल था, जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा था और मोबाइल में उसने भजन लगाया और संयोग से यही भजन बज गया। डॉक्टर बगल में खड़ा था, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर में 25 से 30 के बीच में ऑक्सीजन लेवल था, जहां पर 80-85 में लोग प्यारे हो गए भगवान को, 25 से 30 का ऑक्सीमीटर बता रहा था। और जैसे ही भजन बजा ऑक्सीमीटर अपने आप बढ़ने लगा। डॉक्टर ने बोला ये क्या हो रहा है, भजन खत्म हुआ फिर ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा। डॉक्टर ने दोबारा बजवाया, 4-5 बार ये काम किया, हर बार भजन शुरू होते ही ऑक्सीजन बढ़ने लग जाता और खत्म होते ही डाउन हो जाता। डॉक्टर ने उस बंदे ने टेलीफोन करके बताया कि मैंने 3 बार यमदूत को देखा है कि यमदूत आए मेरे पास में, लेकिन बाबा की कृपा हुई मेडिकल साइंस को थत्ता बताते हुए डॉक्टरों ने आईसीयू के अंदर में बॉक्स लगवाया और वो भजन तब तक कंटिन्यू रखा जब तक कि उसका ऑक्सीजन लेवल सही नहीं हो गया और वो आउट ऑफ डेंजर नहीं हो गया। आज वो प्रेमी अपने दोनों पांव पर खड़ा है 1 साल से और बाबा का अनन्य प्रेमी बन गया है ना। तो आइए, भजनों में वो ताकत है प्रेमियों, भजनों में वो ताकत है जो आपके अंदर में जान डाल सकता है। तो इसलिए किसी भी मुश्किल घड़ी के अंदर में किसी और को पुकारने की बजाय आप अगर कोई भी एक भजन सुनाने लग जाओगे ना, तो मेरा विश्वास है कि आपके संकट थोड़े थोड़े आपको छोड़ने लगेंगे, दूर होने लग जाएंगे। तो आइए, प्रेमी क्या कहता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलो क्यों घबरा, ये तो हरियाणा की आवाज नहीं, ये तो हरियाणा की आवाज नहीं, हरियाणा जहां तू तई का। अरे हम तो कलकत्ता वाले हैं, सारा मिलावटी है, फिर भी लिखो, देखो ताकत देखो, बोल हारे के सहारे की। अरे आप लोग तो प्योर खाते हो, पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे और जोरदार आवाज में बोलना, क्यों खबर
जब मंडराते हैं श्याम नाम लेते ही छट जाते श्याम नाम लेते ही छट जाते और बाल विवाह का वो ना कर पाते कभी दोबारा नजर नहीं आते प्रेमियों